दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 563 हो गई है। बुधवार को इससे 73 लोगों की मौत की खबर है। अब तक 22 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से ही इसे इमरजेंसी घोषित कर चुका है। भारत में अब तक इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। चीन से बाहर 22 देशों में कोरोना वायरस के कई मामलों की पुष्टि हुई है। इन देशों में थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकना वाला कोई टीका नहीं बना है। नंबर 2, क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर से में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इससे दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। नंबर 3, क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हैं उन्हें उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। नंबर 4, कोरोना वायरस का इलाज। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकॉक के राजविधि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दावा किया है कि वे कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित कई मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज करने में सफल रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने फ्लू, HIV की दवाओं के मिश्रण से एक ऐसा दवा तैयार किया है जिसका काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। और डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के डॉक्टरों का दावा है कि वे नई दवा से 48 घंटे में ही मरीज को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने यानी डिसीज फ्री करने में सफल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों पर नई दवा का परीक्षण किया है। इस दवा के परीक्षण के 48 घंटे के अंदर ही मरीजों को डिसीज फ्री घोषित कर दिया गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में अब तक 19 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 11 मरीजों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अन्य अपने घर वापस लौट गए हैं। थाईलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान के मुताबिक 311 लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। दोस्तों, चीन में इस वायरस के चलते पर्यटकों की संख्या घट सकती है। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। कई देशों ने अपने नागरिकों से चीन नहीं जाने के लिए कहा है। कई देशों ने वुहान से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने
चीन के साथ अपने पूर्वी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। साल 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अपने एक न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।